मेरी अक्सर बात होती है, मैं कहती हूँ कि यार जब मैं काम करती थी तो मुझे फिक्र नहीं होती थी, अच्छा गए देखा स्टोरी लाइन अप की, गए शूट किया आ गए, उसके बाद एडिटर जाने मालिक जाने। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैलून बनाना। ओहो, तो अभी मेरी इस पे भी आते हैं हम। तो अभी मेरी वो तैयारियां चल रही है कराची में। मुझे ज्यादा होता है कि जब भी होता है कि मैं कराची जाऊँ तो मैं फिश खाऊं। सबसे फनी हमारे यहाँ जो है वो है, मुश्किल है थोड़ा सा फैसला करना, लेकिन लड़कियां ज्यादा फनी है। अच्छा, लड़कियां ज्यादा फनी। रियली फनी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रूसा आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। मैं एंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, रमजान मुबारक। खैर मुबारक, क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके पास आके करें, तो आप बताएं, आ जाए? बिल्कुल आप आ जाए, मैं बस ऑफिस में ही होंगी तो आप वही तशरीफ लें। ठीक हो गया, आप मुझे पेन लोकेशन भेज दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगी। डन हो गया, मैं आपको लोकेशन शेयर कर देती हूँ, तो आप बस मुझे टाइम बता दे कितने बजे आएंगी। बस मैं जो हूँ वो इफ्तार से थोड़े से पहले आऊंगी, और इफ्तारी मैं लेकर आऊंगी, तो तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। चले आ जाए फिर इफ्तारी करते। ओके जी, खुदा हाफिज। रेड रोज दे दीजिए, वो पिज्जा दे दीजिए, और मुझे पेटीज भी दे दें। थैंक यू। खुला है दरवाजा, आ जाए हम। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रमजान मुबारक एंड वेलकम टू इफ्तार विद अ स्टार। खैर मुबारक आप सबको भी, रमजान मुबारक। खैर मुबारक, ये लीजिए आपकी इफ्तारी। यहाँ इधर रख दें भाई। क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी हैं आप? माशाल्लाह वेरी नाइस ऑफिस, फुल कॉर्पोरेट लेडी हो गई हैं आप तो। मैं आपसे एक मिली थी पिछले साल, बहुत डिफरेंट थी, और आप भी बहुत डिफरेंट थी तब। ज्यादा प्यारी हो गई हूँ। बहुत ज्यादा प्यारी हो गई है, और डिफरेंट जाहिर सी बात है, डिफरेंस तो एक साल में वो कहते हैं ना, यहाँ सेकंड में दुनिया बदल जाती है, तो एक साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। पहले चूंकि मैं खुद किसी इदारे में काम करती हूँ, अब मैं एक इदारे को हेड करती हूँ, माशाल्लाह, तो वो जाहिर सी बात है फिर चीजें माशाल्लाह होती हैं। फर्क कितना है, क्योंकि जब आप एक इदारे में काम कर रहे होते हैं चीजें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं, उसे लीड कर रहे होते हैं, कितना डिफरेंस आता है? पावर का डिफरेंस आता है कि नहीं आता? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल आता है। आप यकीन नहीं कर सकती कि मैं, मेरे लिए ना चीजें मैनेज करना एकदम से ऐसे, मैं ब्लास्ट हो जाती हूँ, और एकदम से मैं रहता है कि अच्छा तू भी फर्क, तू भी फर्क, तू भी फर्क। अच्छा, मेरा ये सिचुएशन एकदम से हो जाती है, चीजें नहीं मैनेज होती है। हेड करना बहुत मुश्किल काम है, लीड करना, किसी इदारे को लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। मैं वही, मेरी अक्सर बात होती है, मैं कहती हूँ कि यार जब मैं काम करती थी तो मुझे फिक्र नहीं होती थी, अच्छा गए देखा स्टोरी लाइन अप की, गए शूट किया आ गए, उसके बाद एडिटर जाने मालिक जाने, पब्लिश होती है नहीं, हमें नहीं परवाह, फर्क ही नहीं पड़ता बिल्कुल। अब क्या होता है कि मैं, आप यकीन करें, तब मैं ऑफिस आती नहीं होती थी जब मैं खुद काम करती थी, और मैं वही कोई 12-1 बजे 2 बजे मैंने ऑफिस आना, 1-1.5 घंटा बैठना, और अब मैं वही लड़की हूँ जो पहले सुबह उठ नहीं सकती थी, और अब मैं सुबह 9 बजे उठती हूँ और मुझे 10:30 बजे हर सूरत ऑफिस पहुँचना है। अच्छा, स्टाफ आया है नहीं आया है, मुझे ऑफिस पहुँचना है, और मैं फिर आती हूँ और मैं पूछती हूँ, एक एक बंदे से पूछती हूँ कहाँ हो, अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे, अभी तक आए क्यों नहीं, ठीक है। फिर डेली बेसिस पे फॉलो अप लेना, आज कौन सी स्टोरी है, फिर कौन सी स्टोरी लगनी है, कौन सी नहीं लगनी, फिर उसके बाद छोटे छोटे स्टाफ के मसाइल, फिर उसके बाद बहुत मसले, सब खुद हैंडल करती होती हैं, सब सारा खुद हैंडल करती हूँ, कोई इंटरफेरेंस किसी की नहीं है, सब मैंने खुद देखना है, यहाँ तक के जो कैमरा मैन है उनसे लेकर ऊपर के जितना स्टाफ है, रिपोर्टर्स हो गए, हर एक चीज बहुत मुश्किल है। एक्सेलेंट भाई, अब जब सब बात हो ही रही है सब की, पूरी टीम की, तो जरा बताएं तो कि आपका क्या बिजनेस है, आपका क्या कंपनी है ये? मैं ऐसे टाइम्स को कर रही हूँ, ये सोशल मीडिया कंपनी है, और इसमें वही जिस तरह से बाकी सोशल मीडिया हमारे मुकाबले में है, बिल्कुल, हम लोग चूंकि 3-4 महीने हुए हैं इसको, अभी हम स्टिल ग्रो कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह से 3 मंथ्स में हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है, और आगे बस इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का इरादा है, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी क्या चीजें पाइपलाइन में है, क्या सोचा है, बीइंग अ बिजनेस वुमन, माशाल्लाह आप भी इस रेस में आ गई हैं अब। बिल्कुल, अभी तो मेरा सबसे पहले है कि मैं ऐसे टाइम्स को एस्टेब्लिश कर लूं, ठीक है, और इंशाल्लाह मेरा है टारगेट इस एक साल में, मतलब 2024 के एंड में मैं इसको इस हद तक एस्टेब्लिश कर लूं, क्योंकि मैंने ये टारगेट किया है कि अब जो है ना ऐसे टाइम्स के बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैलून बनाना। ओहो, तो अभी इस पे भी आते हैं हम। अभी मेरे
भी वो तैयारियां चल रही है, सही है। उसी हवाले से मैं डिफरेंट सैलून्स के साथ भी मिल रही हूँ, जो कंसल्टेंट होते हैं सैलून्स के उनसे भी। तो मेरा ये है कि मैं अब अगला जो मेरा नेक्स्ट हदफ है वो है कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है ना वो सैलून जो है वो मेरा होगा। सो इंशाल्लाह जो है वो मैं उसमें भी कामयाब जरूर होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब सैलून की बात हो ही रही है तो शौक है आपका? हाँ हमेशा का मेरा शौक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सैलून मेरा शौक है और ये मेरा शुरू से था कि अच्छा मैं सैलून ओपन करूंगी। लेकिन अब मेरा ये टारगेट है कि अब मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैलून ओपन करूंगी। बीइंग अ बिजनेस वुमन, लोगों में आपके जो लोग हैं ना इर्द गिर्द के, जी बिल्कुल, किस तरह का डिफरेंस आया है बात करने में हर चीज करने में? समझ गई बहुत बिल्कुल मैं समझ गई हूँ। अब मैं आपको ये पूरा पहले, चूंकि मैं खुद एक फील्ड रिपोर्टर थी, एक फील्ड एंकर थी, तो मेरा होता था कि मैं लोगों से मेरे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता था, लोगों से मिलना, हर एक के साथ जो है वो कांटेक्ट में रहना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी से स्टोरी लेनी, किसी को स्टोरी शेयर करनी। लेकिन अब जब से मैं खुद इदारे को हेड कर रही हूँ, अब यकीन मारे मेरा बिल्कुल मीडिया इंडस्ट्री से रब्ता खत्म हो चुका है। मेरा इतना कट गई है पूरी, बिल्कुल बिल्कुल किसी से भी नहीं है। हाँ। अभी मुझे इतने इंटरव्यूज के लिए कॉल्स आती हैं, इतना कुछ होता है, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे एक तो इंटरव्यूज भी नहीं देने, सेकंड ये है कि मुझे मेरा रब्ता ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। किसी से मिलना भी है तो सुबह 10 बजे जब आप ऑफिस आओगे और रात को आप 8 बजे घर जाओगे, फिर उसके बाद आपको खुद को भी टाइम देना है, फिर उसके बाद मुझे जिम करनी है, जिम के बाद फिर वैसे ही 9-10 बज जाती है, हिम्मत ही नहीं रहती। तो फिलहाल आप यकीन माने मेरा बिल्कुल इंडस्ट्री में किसी से कोई रابطہ नहीं है। भाई अब सारी कॉर्पोरेट बातें हो गई, बिजनेस के बारे में बातें हो गई, अब मुझे बताएं रमजान में रूटीन कैसे चल रहे होते हैं, इस इन सब को लेते के साथ कितना टफ हो जाता है? बहुत मुश्किल है अभी, चूंकि पहली दफा के एक्सपीरियंस है, पहले रमजान ट्रांसमिशन में अपना होता था, अच्छा मैं करती थी, कोई एक सेगमेंट किया वो भी मैं पहले रिकॉर्ड करवा के और खत्म। अब चूंकि जैसे बताया टारगेट्स तो आपके होते हैं, अब टारगेट है कि नहीं, अब जो है ना वो हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिजिटल रमजान ट्रांसमिशन हम इंशाल्लाह कर रहे हैं, और हम जो है अब अच्छा ये डिजिटली ऑन एयर होगी, बिल्कुल ये यानी ऑन यूट्यूब फेसबुक एवरीवेयर। हां अब फेसबुक और यूट्यूब पे हम लोग लाइव रहेंगे, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो एक्सेलेंट 3 घंटे की ये लाइव है, और हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और सारा, तो अभी उसको फर्स्ट टाइम है, मुझे खुद नहीं पता, नहीं पता, किसी को बस लीड कर दे। मैं आप तो बता भी नहीं सकती। चले जी कोई बात नहीं, फिर रमजान की बात हो और फिर खाने की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये तो बताएं जरा कि जो है वो इफ्तारी अभी भी बना रही है कि नहीं बनाती? नहीं बनाती, टाइम तो मैंने किचन देखा ही नहीं है, इतना टाइम हो गया, बल्कि मेरा काफी टाइम से चल रहा है कि अच्छा मैं कोई खाना कोई डिश बनाती हूँ, लेकिन नहीं, टाइम वही बात आ जाती है कि आपके पास है नहीं, फिर एक संडे बचता है और संडे इतना लेजी होता है कि बिस्तर से ऊपर से फिर वो सर्दियाँ भी विंटर्स भी आपको पता है कि सब अभी गुजरे हैं, और अभी चूंकि रमजान है तो थोड़ा सा माहौल जो है वो गर्मी वाला फील होना, लेकिन नहीं संडे सिर्फ एक दिन होता है और उस दिन बहुत लेजीनेस होती है, तो अभी कुछ भी नहीं प्लान खाने का। खाना खाने का जरूर है, खाना बनाने का कुछ नहीं। खाने खाने का जरूर है, तो सबसे मजे का खाना कौन सा लगता है? अच्छा खाली लाहौर का नहीं बताना, आपने कराची का भी बताना। कराची का भी बताना। अच्छा कराची में मुझे ज्यादा होता है कि जब भी होता है कि मैं कराची जाऊं तो मैं फिश खाऊं। Okay. तो मेरा होता है कि मैं फिश जो अच्छा, है आप भी फिश पकाती फिश हैं। वैसे मुझे मैं सी फूड नहीं खाती क्योंकि मुझे जो है ना वो एलर्जी है प्रॉन्स से और बाकी सी फूड से भी, तो उसमें सिर्फ एक फिश बचती है जिसको मैं अच्छा वो लाहौरी स्टाइल वाली या वो फिंगर फिश जो फ्राइड होती है? नहीं फिंगर फिश भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन वो लाहौरी जो स्टाइल है ना उसको वो तवे पे तलने वाला और वो सारा, तो मुझे होता है, तो मैं कराची जब जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फिश खाऊँ, क्योंकि जैसी बात आप कराची जाए सी फूड है और आप है और आप जो है वो फिश ना खाएं, तो कराची में। लेकिन रिसेंटली मैं गई थी तो कुछ नए नए खाने मैंने ट्राई किए थे देसी ढाबों के, सही, तो इस दफा भी है कि मैं वो जरा वो दोबारा ट्राई करूं। जबरदस्त है, आए चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल आए, मैं जरा आप अपना सेटअप भी दिखाती हूं, बिल्कुल श्योर, और बाकी हम लेके भी चल रहे हैं। ओके तो दिखाएं, दिखाएं। जी बिल्कुल। अच्छा भाई माशाल्लाह, ये हमारी जरा टीम है, जाहिर सी बात है टीम के साथ आगे लेके चलना और आगे। ओके ये आपकी पूरी टीम है? जी ये मेरा पूरा सेटअप है ऐसे टाइम्स का, और ये सारी के वक्त तो बच्चों को छोड़ देती हैं आप। अभी जो है ये हमारा सारा रिपोर्टिंग सेटअप है,
और इसके साथ ही आगे हमारा ये एडिटिंग सेटअप है। अच्छा। और यहाँ पे हमारी एडिटिंग चल रही है, एडिटर्स बैठे हैं यहाँ पे, जरा सारा रिपोर्टर्स के साथ काम चल। अच्छा, जबरदस्त। तो यहाँ पे अच्छा टाइम फ्रेम क्या है आपका, इन लोगों का वर्क नेचर का? जैसे होता है, आपको पता है कि न्यूज़ में टाइम फ्रेम, आप लोग एक एचआर की वो एक जो है ना उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप लोग एक टाइम रखते हो, वैसे तो 10 से 6 जो है वो है, लेकिन आपको पता है कि न्यूज इंडस्ट्री में टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ना सिर्फ रिपोर्टर्स का बल्कि कैमरामैन्स का भी और एडिटर्स का भी। बिल्कुल ऐसा ही तो साथ बस ऐसे ही चल रहा है, तो कभी कभी बल्कि बाज़ का तो ये होता है कि हमारे बेचारे एडिटर्स है वो ज्यादा टाइम यहीं पे रुक रहे होते हैं, रात यहीं पे स्टे करते हैं। भाई सारी टीम यहाँ पे, मैं जरूर पूछूंगी सबसे मेहनती कौन है इसमें से? सबसे मेहनती हमारे अंदर एडिटर बैठे हैं शरोज। हमारे सबसे ज्यादा मेहनती जो है बच्चा वो है, और शरोज के बगैर जो है वो मैं ऐसे टाइम्स को मेरे लिए लेके चलना जो है वो मेरे बहुत सपोर्टिव है। मैं बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं नहीं हूँ या किसी चीज में बिजी हूँ तो ये होता है कि मेरे पीछे बिहाइंड द शरोज। अच्छा, और सबसे फनी कौन है? सबसे फनी हमारे यहाँ जो है वो है, मुश्किल है थोड़ा सा फैसला करना, लेकिन लड़कियां ज्यादा फनी है। अच्छा, लड़कियां ज्यादा फनी है। रियली फनी। ओके ओके। और सबसे अनोइंग कौन है? वो एक एम्प्लॉय होता है ना जो बड़ा अनोइंग होता है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, हमारे वेब डेवलपर है मोहसिन, वो सबसे ज्यादा अनोइंग है हमारे लिए। अच्छा, बहुत उन्हें पता है कि आपने सही जो है ना वो रग पकड़ी है उनकी। हाँ जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा मतलब टाइम पे ना आना, चीजों को मैनेज ना करना सबसे ज्यादा। ओह माय गॉड, आए चलिए हम लोग चलते हैं। जी बिल्कुल आ जाएं। हाँ जी, काफी अच्छा माशाल्लाह से आपने ऑफिस बनाया हुआ है। थैंक यू, एवरीथिंग इज रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने जो है वो बेसिकली दो कलर टोन रखी है, आए हम अंदर चलते हैं सारी की। हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो थीम है वो है ग्रे एंड व्हाइट का। अच्छा, और लेकिन ये वाला आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। अरे वाह, आप लोगों ने तो यहाँ पे पूरा सेटअप लगा दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जरा डिफरेंट है, यहाँ पे मैं अपने स्टाफ के साथ छोटी मोटी मीटिंग के लिए जो है वो मैं उनके साथ बैठती हूँ। अच्छा, ये काफी जो है ये कलरफुल लाइट रूम, लाइट कलरफुल सा है, तो मुझे बेसिकली ये रूम पर्सनली भी बहुत पसंद है, तो ज्यादा टाइम जो है वो फिर यहीं पे होती हूँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एंड इन योर बिजनेस एज वेल, एंड वंस अगेन रमजान मुबारक। खुदा हाफिज़। आपको भी।